बताओ भैया। अरे राम राम, आप उन्हें देख रहे हैं बुंदेली चुगली। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं कोमल श्रीवास। यह लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की खेल ग्राम से। आज होली मिलन समारोह आयोजित भव तो सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी और पज्जन चाचा के थे। तो पज्जन चाचा के थे जो समारोह को आयोजन जो भव है इसके बाद में कार्यक्रम रखो। पहले तो कार्यक्रम बहुत हती, आर्केस्ट्रा हती, डांस को कार्यक्रम हतो, बहुत कार्यक्रम हती। उसके संगे संगे लड़का बिटियन के भी हती। इसके बाद में जो कार्यक्रम कवि सम्मेलन को, तो जब लाइव प्रस्तुति कवि सम्मेलन की आप देखो, कवि सभी ये हैं मंच पे आसीन हो चुके हैं, कविता पाठ चालू है। तो सभी जने जो कवि सम्मेलन को आनंद लो, बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति सभी जने देखो, आनंद लो। मैं चाहता हूँ कि स्कूलों के लिए एक प्लीज नया प्रमाण मांगे गए इस देश में राम के, जिसको बताया अभी संताल जी ने बताया था। मैंने प्रमाण देने की कोशिश की, उसके पहले चार पंक्तियां सुने। देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, देकर बयान सीमाओं को लांघ रहे हैं, यानी प्रयास था को फांसी टांग रहे हैं। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे। गोस्वामी एक हमारा फोटो से कर दीजिएगा ताकि आपकी यादें हम ले जाए यहाँ से, कि हमने आदरणीय विधायक जी के सारे दिन मैंने कविता पाठ किया, दादा मंच पर बैठे हैं। सुने आप, एक पंक्ति केवल सुनाता हूं उसके बाद अपना विराम देता हूं। भारत का कण कण साक्षी है, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तृण तृण साक्षी है। धरती और अनंत व्योम में राम रमे है रोम रोम में, धरती और अनंत व्योम में राम रमे है रोम रोम में। चंद सिरफिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दें। सरयू की निर्मल जल धारा, मैं आपके सूचना बताना चाहूंगा, इन दिनों एक यात्रा चल रही है भारतवर्ष में जो राम वनगमन यात्रा है, उसमें जहां जहां राम रुके, जहां जहां से प्रभु राम ने स्थान चुना अपना यात्रा का, उन समस्त स्थानों पर वो यात्रा आ रही है, श्रीलंका से आरंभ होती हुई और अयोध्या तक। तो वो बहुत बड़ा काम है, अगर आपके यहाँ चित्रकूट से कहीं निकले अगर आपके चे, तो आप जरूर शामिल होइएगा। सुने सरयू की निर्मल जल धारा, कौशल का प्रदेश अति प्यारा, पतित पावनी गंगा का तट और प्रयाग का वह अक्षय वट, चित्रकूट मंडल का कण कण, चित्रकूट मंडल का कण कण और सारा पावन दंडक वन, रामेश्वर जा रहे पापना, रामेश्वर जा रहे पापना, जहाँ हुई शिवलिंग स्थापना, जहाँ शांत रत्ना कर रहता, सेतु बंध का था को कहता, नहीं सुनामी लहरें लाता, दिया राम को वचन निभाता, वह सागर तट साक्षी रण का, यानी युद्ध राम रावण का, समय के थपेड़ों के मारे, ये भौतिक प्रमाण है सारे, जिससे माया धारा बन क्या लाकर वह धनु बाण दे, हम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी, पता पूछ रहे थे, एक बंद पढ़ के बदनाम कर देता हूँ, पता पूछ रहे थे, मैं पता बताता हूँ, एक एक पता आपके मन का हो तो सारे सदन मेरे साथ है। राम बसे निषाद के मन में, राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भीड़ घरों में, या जटाज के कटे परों में, साध
झूठे भेरों में राम मिलेंगे जहाँ चाह है। राम विषमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद त्राण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का कण कण साक्षी है, धरती और अनंत डोम में राम रमे हैं रोम रोम में, चंद्र सिर फिरों को समझाने क्या हम अपने प्राण दें। राम हुए हैं कितने और प्रमाण, जिंदाबाद सब बेटा बाबा, जय हो बाबा। अब ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट और थोड़ी देर रुकी, अब घर जाके कर भी क्या लोगे। हाँ, जो घटना था वो तो घट ही चुका है, माना कि इटावा ने थोड़े बहुत दंश देश को दिए हैं, लेकिन नहीं, कुछ लोग हमारे और दादा जैसे भी, हम सब ठीक कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सारे काम कर रहे हैं। पहले रघुवर का वंशज कहे स्वयं को वो, बैठ जाओ भैया, नहीं वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ, मुझसे ज्यादा थोड़ी चिल्ला लेंगे। पहले रघुवर का वंशज कहे स्वयं को वो, फिर उनकी मर्यादा का अनुसरण करें, प्रभु के मंदिर में ईंट लगाएं केवल वे। पहले रघुवर का वंशज कहे स्वयं को वो, फिर घर में रघुकुल सा वातावरण करें, प्रभु के मंदिर में ईंट लगाएं केवल वे, जो उनकी मर्यादा का अनुसरण करें। जो करता होकर के भी निष्काम रहे। आदरणीय प्रकाश पटेल जी की भूमिका में खड़ा हुआ हूं। जो करता होकर के भी निष्काम रहे, जो इस निखिल विश्व के चारों धाम रहे, राजनीति के हाथों चले गए थे जो, अवध छोड़कर वन को चले गए थे जो, उनको वापस धाम अयोध्या लाए हो, धन्यवाद जो राम अयोध्या लाए हो। तुम सोच रहे मंदिर कैसा मस्जिद कैसी बनवाई जाए, ये भी सोचो कि पेटों में कैसे रोटी पहुंच रही है। जिस भारत में लाखों करोड़ केवल प्रचार में लग जाए और नौनिहाल उस भारत में केवल बुखार से मर जाए, इन सब का जिम्मेदार कौन, बदलाव भागीदार कौन, इनका हिस्सा खा जाने में बोलो था चौकीदार कौन, मंदिर मस्जिद बन जाए तो सपने नए दिखाने आ जाना, जो मरे भूख से बच्चे उनकी लाश उठाने आ जाए। इटावा से आता हूं मैं, जाओ यही पंक्तियां मेरे और आदरणीय प्रकाश पटेलिया के बीच की भूमिका को तय करेंगी। आप सबके बीच में इस मंच के शीर्ष कलश को सौंप रहा हूं, जाओ किसी और के स्वर पर तुम अपना अधिकार जमाना, माटी गाने वाले मुख से राजमहल का गान न होगा। जाओ किसी और के स्वर पर तुम अपना अधिकार जमाओ, माटी गाने वाले मुख से राजमहल का गान न होगा। माना माना कई स्वरों के मालिक तेरी राजसभा भरते हैं, और हजारों तुलसी के दल खड़े खड़े पानी भरते हैं, स्वर की देवी सरस्वती भी दर्शन देने को आती है, गण के देव गजानन तेरी महफिल संचालित करते हैं, लेकिन मेरा स्वर सुनकर यदि सिंहासन डगमगा गया तो उसकी रक्षा करने वाला कोई भी भगवान न होगा। जाओ किसी और के स्वर पर, राम अवतार त्यागी जी ने कहा, बड़ी तालियों के साथ बड़े कोलाहल के साथ आदरणीय प्रकाश पटेल जी को आमंत्रित करिए। उन्होंने कहा कि चोट खाकर डरने की जरूरत नहीं है, ये काल चक्र है, ये वैसे ही है जो राशन की दुकान पर राशन कार्ड इकट्ठे करके पलट दिए जाते हैं, ये चक्र फिर घूमेगा। चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, किंतु आकृतियां कभी टूटी नहीं है। आदमी से रूठ जाता है सभी कुछ, पर समस्याएं कभी रूठी नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आदरणीय प्रकाश। केवल उनकी अगवानी में ये 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ, मेरे लेखन में इससे बड़ा उनके लिए सम्मान में कुछ नहीं हो सकता, उनकी अगवानी में कुछ नहीं हो सकता।
कि दानियों में दानवीर मेरे देश भारत में दिखते लुटेरे कोई दानी नहीं दिखता। दानियों में दानवीर मेरे देश भारत में दिखते लुटेरे कोई दानी नहीं दिखता। पानीदार अपने को मानते हैं सब किंतु उनमें चरित्रता का पानी नहीं दिखता। और अभिमानियों की भीड़ दिखती है चारों ओर, सच्चा नेक दिल स्वाभिमानी नहीं दिखता। और ज्ञानियों के नाम पर मिलते हैं मतमंद, दद्दू जैसा श्रेष्ठ कवि ज्ञानी नहीं दिखता। एक बार जोरदार चाहिए की गण आपके आमंत्रित करें आदरणीय दादा श्री प्रकाश पटेलिया जी। देखो भज्जन, उठ के माला तो पहनानी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि बाकी लोग माला पहने, तुम हमारे लिए विधायक नहीं हो, हमारे मित्र हो। सब पहना भी तो का ब्याह में ऐसी करो तो सब इकट्ठी पहना देंगे। दो पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। चतुर्वेदी जी बैठे हैं दोनों, हाँ इसीलिए ये बीच में ना बोलना, ये साला है हमारा, ये रविंद्र जरिया को मत बोल रहना, साले नहीं भी बोल सकते, जिया जी पढ़ना चुप रहना। मैं ये कहता हूँ कि जो स्वाभिमान गिरवी रखकर सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवित रहकर भी अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। जो स्वाभिमान गिरवी रखकर, मैं कभी किसी दल की बात नहीं करता, कभी किसी राजनेता का नाम, मैंने इन 48 सालों में मंच पर रहा हूं, कभी किसी राजनेता का भी नाम नहीं लेता, देश की बात करता हूं, इस मातृभूमि की बात करता हूं। जो इस देश को अपना देश समझते हैं, मातृभूमि को अपनी मातृभूमि समझते हैं, भारत माँ को अपनी माँ समझते हैं, वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हम उनके चरणों में अपना प्रणाम करते हैं। लोग मुझसे पूछा करते हैं पिछले भैया क्या चंद्रशेखर नहीं है, भगत सिंह नहीं है, सावरकर नहीं है, सुभाष नहीं है, इस देश को बचाएगा कौन? जो स्थितियां चल रही है, जो स्थितियां हैं वो आप सब परिचित हैं। कब तक चुपचाप निहारे हम उलझे इन विषम विवादों को? ईश्वर भी क्षमा नहीं करता 100 से ज्यादा अपराधों को। कब तक चुपचाप निहारे हम उलझे इन विषम विवादों को? ईश्वर भी क्षमा नहीं करता 100 से ज्यादा अपराधों को। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आज शेखर नहीं, सुभाष नहीं, भगत सिंह नहीं, तो इस देश को बचाएगा कौन? मैंने कहा तुम एक सुभाष की बात करते हो, एक भगत सिंह की बात करते हो, हमारे सुसंद्र मुक्त पड़ा था गगन में, आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है, गगन में आज भी उड़ता हमारा वो परिंदा है, समूची आज भी दुनिया में उस घटना की निंदा है, हजारों क्या करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी, भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है, हजारों क्या करोड़ों में बसी है आत्मा उसकी, भगत सिंह तब भी जिंदा था, भगत सिंह अब भी जिंदा है। मेरी अपनी सोच है पंजन भैया, मुझे पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, जहां पर भी मैं जाता हूं, ये खेल ग्राम में पहली बार बुलाया है तुम, ध्यान रखना, गलत सत्यता को स्वीकार करो, आउटिंग का मतलब ऐलान करवा दिया शहर में, उसमें प्रकाश पटेलिया नहीं आता, फोन करोगे तभी आएगा। हमें तो सब बेकार है, हमारे लिए वो हैप्पी होली।
सही बात है। जहां पर भी मैं जाता हूं वहां सम्मान रखता हूं इस मंच का, इन पाणी पुत्रों का, आप जैसे राजनेताओं का, इन जैसे श्रोताओं का, मां भारती का। जहां पर भी मैं जाता हूं वहां सम्मान रखता हूं। मैं अपने देश का अधरों पे हरदम गान रखता हूं। मैं अपने देश का अधरों पे हरदम गान रखता हूं। तुम्हारा दिल है अपने दिल में, तुम कुछ भी रखो, लेकिन मैं अपने दिल में अपना देश हिंदुस्तान रखता हूं। जिंदाबाद। तुम्हारा दिल है अपने दिल में, तुम कुछ भी रखो, लेकिन मैं अपने दिल में अपना देश हिंदुस्तान, अपना देश हिंदुस्तान रखता हूं। लोगों ने कहा कि जब देश बटा तब किसी को पाकिस्तान मिल गया, किसी को हिंदुस्तान मिल गया, लेकिन हमारे शहीदों को क्या मिला, चंद्रशेखर को क्या मिला? मैं छंद पढ़ता हूं, सुने बच्चे भैया। मैंने कहा कि सल्तनत हलाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला? सल्तनत हलाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला? नायिका का रूप मनमोहक बना अनूप, जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला? नायिका का रूप मन मोहक बना अनूप, जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला? राम सीता गए वन, मान पिता के वचन, साथ में गए लखन देवर को क्या मिला? राम सीता गए वन, मान पिता के वचन, साथ में गए लखन देवर को क्या मिला? कहां जा रहे अरविंद? राम सीता गए वन, मान पिता के वचन, साथ में गए लखन देवर को क्या मिला? सारे देश ने बसाया अपने हृदय जैसे, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला? सारे देश ने बसाया अपने हृदय जैसे, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला? लोग कहते हैं कि प्रकाश भैया क्या होना चाहिए देश में, क्या चाहते हैं आप, क्या होगा? मैंने कहा सुनो, इस देश में सो, यह देश कभी सोया नहीं है, यह देश कभी सो ही नहीं सकता। हमारे धर्म को, हमारे देश को कोई मिटा नहीं सकता। जिस दिन होगा, जिस दिन होगा महायुद्ध उन मादियों से, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी। जिस दिन कोई डल हो जी लूटता दिखेगा, उस दिन झांसी वाली रानी जाग जाएगी। जिस दिन होगा महायुद्ध उन मादियों से, प्रश्न ये नहीं है कि सत्ता किसकी है, प्रश्न ये नहीं है कि कांग्रेस क्या है, भाजपा क्या है, बसपा क्या है, प्रश्न ये है कि देशभक्त कितने। जिस दिन होगा महायुद्ध उन मादियों से, उस दिन सोच स्वाभिमानी जाग जाएगी। जिस दिन कोई गल हो जी लुप्तता दिखेगा, उस दिन झांसी वाली रानी जाग जाएगी। जिस दिन राणा कोई ताना देगा हृदयेश, उस दिन मीरा राज रानी जाग जाएगी। जिस दिन राणा कोई ताना देगा हृदयेश, उस दिन मीरा राज रानी जाग जाएगी। जिस दिन देश में घिरेंगे संकटों के घेर, शेखर सुभाष की जवानी जाग जाएगी। देश में जब भौजाई को फोन आके पहना तो वही होगा। बात नहीं सर, तुम खड़े हो जाओ तो तुमदार सुना दे। नीचे कर लो भाई साहब, वैसे ईमानदारी की बात कहूं, इसलिए नहीं कि आप विधायक है, मैंने कहा विधायक नहीं मानता मैं आपको, नहीं भी, लेकिन आप जैसा मित्र पाकर के वास्तव में मुझे गर्व होता है।
क्योंकि स्वार्थ के लिए मित्र तो सब बनते हैं। मैं आज तक किसी की सिफारिश लेके नहीं आया इनके पास, कभी स्वार्थ के लिए मित्र नहीं समझा, बस मित्र है मेरे तो है। बस इसीलिए आज बहुत अच्छा लग रहा है इस खेल ग्राम में। और एक वचन चाहता हूं, प्रत्येक वर्ष होली पे कवि सम्मेलन होगा खेल ग्राम में, इस बात का ध्यान रखना। हम बहुत सारे काम करते अगली बार से समय से हुए और तरीका से हुए। समय से हम कराएंगे, तरीका तुमसे पूछ लेंगे क्या। तरीका से मतलब ये है कि श्रोता भी रहे ठिकाने से। हाँ कह दिया मैंने, होगा हम जानते हैं, क्योंकि बच्चे ने कभी कुछ कहा तो किया है, ये भी हम जानते हैं। नोट हो गई, तुम मत बोलो, कल बागेश्वर में कुछ देने को कहा था, देंगे हम। कल मैं रचना पढ़ूंगा, लेकिन कल बागेश्वर में भी कभी सम्मेलन है। हमारे राम भद्राचार्य जी, भगवान ईश्वर ने भले ही उनको दिव्यांग नेत्र ना दिए हो, लेकिन शायद उनको भगवान ने वो नेत्र दिए हैं जो नेत्र नेत्र वालों को भी वो नेत्र नहीं मिले। भजन भैया, मैं पढ़ने से पहले एक और बात कहता हूँ, जिसने बी आर चोपड़ा जी महाभारत के संवाद लिखे थे, डॉक्टर राही आजम रजा, उस आदमी को मैंने पत्र भी लिखा था, फोन पर भी बात की थी। मैंने कहा आपसे जो गलती हुई है उसको हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। बोले प्रकाश भैया ऐसी क्या गलती हुई। हमने कहा धृतराष्ट्र नेत्रहीन नहीं था, वो दृष्टिहीन था। तुमने धृतराष्ट्र को नेत्रहीन कह दिया। हमारे जो राम भद्राचार्य जी हैं वो नेत्रहीन है, दृष्टिहीन नहीं है, वो देख रहे हैं सब कुछ। उस समय उनकी कथा सुन रहा था, उन्होंने कहा 7:03 हो गए। अरे हमने तुरंत मोबाइल निकाला, 7:03 थी। तो ऐसा एक व्यक्तित्व, ऐसा एक महापुरुष, एक ऐसा संत हमारे बागेश्वर में विराजमान है, हम उसके चरणों में जितना भी झुके उतना कम। लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, ये हमारा घर है। जहां तक हमारे कमलेश को कह रहा था, 48 सालों से मंचों पर हूं, सन 74 में मंचों पर आया था। निश्चित रूप से 2-3 पीढ़ियां मेरे सामने निकली हैं, कुमार, विनीत चौहान, दिवेश व्रत वाजपेयी, आशीष अनल, कमलेश शर्मा तो ये बैठा है, हमारा राम ये बैठा है। लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रकाश भैया इस देश को क्या चाहिए, क्या जरूरत है देश को, इस देश को बचाएगा। मैं कहता हूं मदन मोहन यशोदा मां के छैया की जरूरत है। प्रश्न ये नहीं है, मेरी बात को आप समझे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आराध्य हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, जन जन में रमे हैं, इसलिए राम है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं देश की, जो देश की न मानो सारी दुनिया की परिस्थितियां हैं, आज रूस का युद्ध यूक्रेन से चल रहा है, तो मदन मोहन यशोदा मां के छैया की जरूरत है, ललन वसुदेव के हलधर के भैया की जरूरत है, ललन वसुदेव के हलधर के भैया की जरूरत है। हजारों काल यवनों के मिटाया वंश को जिनने, हमारे देश को फिर उस कन्हैया की जरूरत है, हमारे देश को फिर उस कन्हैया की जरूरत है। बहुत कुछ पढ़ना चाहता हूं वैसे, लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा, लेकिन बहुत कुछ ना पढ़ने को कहोगे तो अच्छा लगेगा। हमारा घर है, हमारा खेल ग्राम है, हमारे भजन भैया है, लेकिन अब वो शर्त लाते बैठ जाएंगे, जब दमदार पढ़ोगे तब माला पहनाएंगे। अरे कमाल का तो बैठो 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 बैठो, कोई दिक्कत नहीं।
अभी आप बैठो बैठो, अभी अभी नहीं बैठो, हम तो तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक तुम उठोगे, तो उसकी जिंदा मत करो। मैं कुछ ऐसे दो तीन छंद पढ़ना चाहता हूं जिसका मैं कभी पढ़ता नहीं। भजन भैया एक छंद आप सुने और चतुर्वेदी आप भी सुने। ये छंद आपको इसलिए अच्छे लगेंगे, इसलिए नहीं, लोग कहते हैं कि दुनिया भर के आरोप ब्राह्मणों पर लगाए जाते हैं। मैं केवल दो छंद पढ़ना चाहता हूं अरविंद, आप दोनों लोग सुने मेरी बात, और इन छंदों को सुनकर अगर पत्नी तुमने माला नहीं पहनाई तो या तो मैं ये समझूंगा कि तुम में अकल नहीं है या हम में अकल नहीं है। अरे चुप। हाँ सुने छंद कि ब्राह्मणों पे दोष जो लगा रहे वे बतलाए, ब्राह्मणों का धरती को मानो किसने दिया। ब्राह्मणों पे दोष जो लगा रहे वे बतलाए, ब्राह्मणों का धरती को मान किसने दिया। और ये पंक्तियां सुने, इतिहास देश का पढ़ोगे तब जान लोगे भारतीयता को स्वाभिमान किसने दिया। ज्ञानियों में श्रेष्ठ जिसे मानता समस्त विश्व, उस देश भारत को ज्ञान किसने दिया। वृत्रासुर असुर का वध करने के लिए वज्र बनना था देह दान किसने दिया। वज्र बनना था देह दान, वृत्रासुर असुर का वध करने के लिए वज्र बनना था देह दान किसने दिया। संयम नियम पूजा पाठ योग जप तप धर्म कर्म मर्म का विधान किसने दिया। संयम नियम पूजा पाठ योग जप तप धर्म कर्म मर्म का सदाचार संयम विधान किसने दिया। अपने लिए कभी चाहा नहीं राज सुख, धर्म कर्म मर्म का प्रमाण किसने दिया। क्रूर विश्वामित्र ने महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी, केवल इसलिए वशिष्ठ ने उनको ब्रह्मर्षि नहीं माना था। और जब वही विश्वामित्र वशिष्ठ का वध करने गए तो वशिष्ठ एकांत में बैठे, उनकी पत्नी ने कहा कि प्रियतम आज इस चंद्र का प्रकाश तो देखो। तो वशिष्ठ ने कहा देवी इस चंद्र का आज वही प्रकाश है जो विश्वामित्र के तप का प्रकाश है। ये शब्द सुनकर विश्वामित्र चरणों में गिर गए। तो क्रूर भग कौशिक ने क्रूरता दिखाई, जब क्रूर तब क्रूरता को क्षमादान किसने दिया। और ये पंक्तियां सुने पंजन भैया, जिस बाण से लिखी थी मौत दस कंधर की वनवासी राम को बाण किसने इस चंद को दोबारा कह रहे हैं अर्जुन भैया। संयम नियम सुने अर्जुन भैया, संयम नियम पूजा पाठ योग जप तप सदाचार त्याग का विधान किसने दिया। अपने लिए कभी भी चाहा नहीं राजसुख, अगर चाहा होता तो हमारा चाणक्य के गद्दी पर बैठ गया होता, चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर नहीं बैठा होता। अपने लिए कभी भी चाहा नहीं राजसुख, धर्म कर्म मर्म का प्रमाण किसने दिया। क्रूर बन कौशिक ने क्रूरता दिखाई, जब तब क्रूरता को क्षमादान किसने दिया। और जिस बाण से लिखी थी मौत दस कंधर की वनवासी राम को वो बाण किसने दिया। मैं अभी उत्तर प्रदेश में था, कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में हाथरस में 20 तारीख को हमारे मुनि ने कार्यक्रम भी कराया था। भैया एक छंद पढ़ता हूं केवल,
अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है। असल में पंडित भैया क्या होता है, आदमी एक रचना लिख लेता है 40 साल तक पढ़ता रहता है क्योंकि या तो वो किसी दूसरे की पढ़ता है या वो लिखने की बात। मेरा सोचना ये रहता है कि जो कुछ नया हो रहा है कुछ पढ़ा जाए, कुछ कहा जाए। बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले खड़े मौन व्रत धार कर, श्रद्ध ये शायद वे भूल गए बुद्ध को। मौन व्रत बौद्ध धर्म वाले खड़े मौन व्रत धार कर, हृदय ये शायद वे भूल गए बुद्ध को। चाहते हैं सारे देश मन मानी यो का दौर, करता पसंद नहीं कोई अवरुद्ध। सौम्यता सहजता विमलता को गए भूल, रोक नहीं पा रहा है कोई रूप क्रुद्ध को। राम जैसी प्रीत कृष्ण जैसी नीति अपना के, भारत ही रोक सकता है इस युद्ध को। राम जैसी प्रीत कृष्ण जैसी नीति अपना के, भारत ही रोक सकता है इस युद्ध को। अंत में बात पढ़ता हूँ, अच्छा देखो राम, ये ऐसे लोग बैठे हैं कि मैं 12 बजे तक भी पढ़ता रहूं उठेंगे नहीं। हम तुझे भी डांट सकते हैं ना, पंजर को भी डांट देंगे, इसलिए उसकी चिंता नहीं। तो मैं ऐसा करूं, वहां दरवाजे पे कह दूं गेट बंद करा दूं। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, अंतिम रचना पढ़ता हूँ। बागेश्वर धाम जाया करता हूँ हरदम, उनकी कथा सुनने महाराज जी की अद्भुत कृपा है उनकी मेरे ऊपर। अभी कल ही उनका फोन आया, तुरंत गांव में चला गया। जब उनका मन होता बुला लेते हैं। जब भी वो दरबार में बैठते हैं तो हमेशा ये कहा करते हैं, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं माने तो छठरी बनाओ। इतने जब कथा हो रही थी तब हम सुन रहे थे, उनको बिल्कुल टीम लेते नहीं आए थे, राजू तुमने बुलाओ ना, तुम्हें मतलब ही नहीं है ना। हम नहीं कहा, सुने इस बात, हम नहीं कहा, हमें क्या करने, हम नहीं कहा, हमें क्या करने, जी की पाप गगरिया भर है, जादर पाप गगरिया भर है, उनकी खुद नहीं छतरी भर है। हम नहीं कहा, हमें क्या करने, जी की पाप गगरिया भर है, हमारी तुम्हारी नहीं भरने जो हम डाला पाप ही नहीं करने। अरे तो हमारे पुण्य तो तब होने चलो, एक बार कभी सम्मेलन हुए थे, हमें उनसे कर लेने थे। जावे की प्रिया जावे की क्रिया आवे के पहले तलक भलाई कर लो, जावे की क्रिया आवे के पहले तलक भलाई कर लो, जावे की क्रिया आवे के पहले तलक भलाई कर लो, और जावे के पहले खावे के लाने तलक मलाई कर लो, जावे के पहले खावे के लाने तलक मलाई कर लो। ऊकी चिंता ऊकी चिता उतने ही कीर्ति छोड़ के जय है, जितने पुण्य कमा के जय है, उतने ही कीर्ति छोड़ के जय है, जितने पुण्य कमा के जय है, जादल पाप गगरिया भरे है उनकी उतने ही ठटकी भरे है। मेरा मेरी अपनी सोच, जहां हम कल कहीं पढ़ भी उनके ला रहे हैं, देखो ऐसा है, आदमी कछु ले तो घर वाले से जचवा ले पहले, रियाज कछु नहीं है जो, अरे जो सारे इस सारे घर देखते क्या टक रहे हो, अरे असमय तो बोल रहा था पंचन से जी जी कहो, अरे भैया आए वहां ध्यान रखियो।
मैं ये कह रहा था जो नफरत सन 47 में देश बचा, मैं कुछ दो चार पंक्तियां पढ़ता हूं बस। मैं पूछ रहा हूं प्रश्न, बताओ ऐसी क्या मजबूरी थी? वह वतन विभाजन की रेखा क्या सचमुच बहुत जरूरी थी? वह वतन विभाजन की रेखा क्या सचमुच बहुत जरूरी थी? कब तक? कल आई आप ना सिखानी था? नहीं नहीं आजा। अच्छा रूसिया जी आ गए, पधारो पधारो। लोग सब कुछ चिल्ले लेकिन रूई खेल नहीं सी हो जाते, रूसिया जी आ गए। जो नफरत सुने भजन भैया, तब तक अंधियारों के आगे होगी जब हार दिनेशों की। सूर्य कब तक हारेगा अंधियारों से? कब तक अंधियारों के आगे होगी अब हार दिनेशों की? होगा अपमान द्रौपदी का पूजा गंधार नरेशों की। होगा अपमान द्रौपदी पूजा गंधार नरेशों की, जिनको जिनको इस धरती की पावन गौरव गरिमा से प्यार नहीं, इस वीर प्रसौनी वस्तु हकी महिमा जिनको स्वीकार नहीं, जिनकी आंखें अब लोग सके इस धरती का उत्कर्ष नहीं, चाहे किसी धर्म के हो उनका यह भारतवर्ष नहीं। चाहे किसी धर्म के उनका यह भारतवर्ष नहीं, तो जो नफरत मर चुकी हो हम उसे जिंदा नहीं करते, हम उसे जिंदा नहीं करते। वरना कॉलेज में पढ़ा बहुत लड़े हम आपसे। तो जो नफरत मर चुकी हो हम उसे जिंदा नहीं करते, कभी भूले से भी दुश्मन की हम निंदा नहीं करते। हो चाहे जो परिस्थितियां, निभाते हैं धर्म अपना हम, पाणी पुत्र है माता को शर्मिंदा नहीं करते। कौन दिक्कत नहीं है। कल कल तक बागेश्वर में तुमने हमसे महामूर्ख कही थी, हमने यही कही थी कि संगत के असर में महामूर्ख बन गए। आरो समझ में आरो, लिफाफा तैयार है कि नहीं? चलो चलो यार, बंद क्या करे। देखो बच्चे भैया, कोरोना लगे तो लगे तो लग जाए। अरे उनसे का मतलब, अरे अबे देखो तुम जो दल के नेता आओ, वो दल के नेता का अरविंद अच्छो नहीं लगते के कमल खेले। तो हम अरविंद की क्या बात करें, हमें तो वो आलोक चाहिए, वो प्रकाश चाहिए। चलिए खैर, बहुत अच्छा लगा और भजन मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारी आपके आपस की बात है, जब तक आप जीवे थे हम जीवे थे ये बातें चलती रहेंगी, वो मित्रता कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन खेल ग्राम में आकर अद्भुत सुख मिला, इस आशा के साथ इस कार्यक्रम को वो कर रहा हूँ कि अगले साल एक कार्यक्रम होगा। दो शब्द आप आभार प्रदर्शन के गतियों के लिए बोले। मैं आदरणीय विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं और इन पंक्तियों से उनकी अगवानी करना चाहता हूं कि वही महसूस कर सकते हैं बस एहसान की खुशबू, बचा के रखते हैं दुनिया में जो ईमान की खुशबू और आपके नेक कामों का। तो भैया कवि सम्मेलन को समापन हो रहा है खेलग्राम में, होली महोत्सव में सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा की तरफ से जो कवि सम्मेलन को आयोजन करोगे तो अभी को समापन हो रहा है खेलग्राम में। प्रकाश पटेलिया जी जो महान कवि हैं उनके द्वारा सम्मान जो समापन करो गौ है, सभी कवि बैठी है तो चलो उद्बोधन चलो। एक दूसरे से गले मिलके जो उत्सव मनाया, ये बात भी निश्चित है कि आप सबने मंच पे विराज के इसको महोत्सव कर दिया। और जैसे हमारे मित्र भाई श्री कह रहे हैं, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, तुम तैयार रहना, कमी ना रह जाए।
और जितने बुलाने हो आपका अपने वाणी पुत्र भैया दमंगी के लाने जाने जाते हैं चतुर्वेदी पंजन चाचा, चाहे होली के अगले दिन हो चाहे बाद में हो चाहे जैसे हुए खेल ग्राम में कवि सम्मेलन हो ये जय भैया दमंगी तुम पचा रहे हो जाओ तुम आओ जाओ भैया मित्र आगे रहे तुम चिंता न करियो। चलो ठीक है आजमाले बड़ा अच्छा लगा बाहर से जो हमारे सभी साथी गण आए हैं कमलेश भाई आए हैं राम भाई आए हैं जो लड़का तो हमारे घर कुआर द्विवेदी जी आए हैं महोबा से बेचारे दुखी प्राणी भी आए हैं राणा मुनि भी आए हैं तो दुख इन्हें भी है और राकेश भाई का दुख हमें भी है। एक बात हम बता दें नहीं महोबा के हम प्रभारी थे चुनाव में नहीं और चुनाव से पहले ही वे हमें मिल गए तो हमसे बोले कि घरे चल के चाय पी लो हमने भैया राकेश भैया चुनाव के बाद हम चाय पी भी हमारी तुम्हारी जाओ रारी रहे अब चुनाव हो जान दो नहीं तो हमारे ऊपर बेकार में आक्षेप आ जाए है कि जब मिली जुली चल रही है सब कमलेश भैया कह रहे थे कि समझौता हो जाता है तो समझौता नहीं था हम बाकायदा अपनी पार्टी के लिए आपके विरोध में राकेश भैया के विरोध में वहां पहुंचे थे और अपनी पार्टी का काम किया था लेकिन हमारे वो परिवार के सदस्य हैं चुनाव जीत के आए हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और जो मनोकामना आपकी थी वो पूरी हो जाती तो और अच्छा लगता लेकिन आज होली के इस अवसर पर आप सब यहाँ खेल ग्राम पधारे मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो सब खेल ग्राम में परिवार में यहाँ विराजमान है उन सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो भैया अब आप उन्होंने देखी है खेल ग्राम से जब लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली चैनल की अब हम जब प्रस्तुति तय पर समाप्त कर रहे हैं अरविंद भैया जो अबे भैया हाँ जो कहा आंसुओं की ये सौगात होगी अबे सम्मान बाकी है धन्यवाद बरसात होगी सम्मान होने हैं अभी तो जो सम्मान देख लो भैया इसके बाद में हम जो समाप्त कर दी आप सब जने देखो लाइव होगी मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी सम्मान चल रहा है देखो देखो धन्यवाद और ये मुनि राणा जी है भैया अरविंद गोस्वामी जी है सभी मूर्ति भैया सामने खड़ी हैं सभी कवि सामने हैं भैया आलोक चतुर्वेदी जी पंजन चाचा विराज सामने हैं सम्मान के साथ और जो कवि सम्मेलन को समापन करो जा रहे हैं फिर हम आप लोगों के सामने को अनुप्रस्तुति विशेष लेके वो विशेष तौर से भैया जो कार्यक्रम के आयोजन जो है और फिर हम कोनो विशेष प्रस्तुति लेके आप लोगों के सामने भैया बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति अभी तक हम समाप्त कर रहे हैं फिर कौन प्रस्तुति लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो भी तब तक के लाने खेलेंगे खेल ग्राम से राजेंद्र त्रिवेदी और कोमल श्रीवास की राम राम।